आपको बता दें कि आज से दुर्ग जिले में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। शराब दुकानें भी 9 दिन तक बंद रहेंगी। सामान्य लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। आवश्यक चीजों के लिए भी निर्धारित समय तय किया गया है। यानी कि दुर्ग जहां पर अब लॉकडाउन लगा है, 9 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। 6 से 14 अप्रैल तक यहां टोटल लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी। आदित्य हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। आदित्य, दुर्ग और रायपुर ये दो जिले हैं छत्तीसगढ़ के जहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। 9 दिन का लॉकडाउन दुर्ग में लगा दिया गया है, क्या लगता है आपको कितनी राहत इस लॉकडाउन के बाद मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कड़ाई जरूरी है। लॉकडाउन में अगर आपने 4 घंटा सुबह छूट दे दी, पहले आवश्यक चीजों के लिए दी, शाम को 4 घंटा दी, तो ये मान के चलिए इस 4-4 घंटे में पब्लिक का जो पूरे दिन भर का जो भीड़ भाड़ रहती है वही इस 4 घंटे में आ जाएगी, तो वो और ज्यादा घातक है। ये सब प्लान करने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, लॉकडाउन देखिए फायदेमंद तभी रहेगा जब उसको कड़ाई से पालन करवा पाएंगे, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। दुर्ग में निश्चित तौर पर हालात बेहद ज्यादा गंभीर हो गए। खुद कलेक्टर ने मांग की थी कि अब लॉकडाउन चाहिए, फिर उस दिन मुख्यमंत्री ने खुद ही कलेक्टरों को ये दे दिया था कि पावर की आप जो है लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए चिंताजनक है, देखिए वहाँ बेड है नहीं, रायपुर में पूरे बेड खत्म हो गए। आप इसी रफ्तार से मरी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, बड़ा सवाल। चलो ठीक है आदित्य, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।